Good evening, students. Good evening, sir. So I think we are left with the last two chapters, right? Perimeter, area and volume. So we'll do the, the two chapters today. And then <laughs> So please be on mute.

now we'll talk about area okay so first we'll start with a triangle so there are three formulas for area okay if it is a 90 degree triangle which is right angle triangle area is half into base into height okay if it is an 60 degree triangle which means equilateral triangle okay तो फॉर्मूला है रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर एस इज द साइड दिस क्लियर एवरी वन एंड दर्ड फॉर्मूला बिकम्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी

ठीक है इसके बाद में आपको स्क्वायर के बारे में तो पता है तो ये फॉर्मूला आपको अभी नया है इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम बाद में नाउ विल टॉक अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ओके सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इन टू एस सॉरी

और इफ रेडियस इज मल्टीपल ऑफ टेन देन यू कैन यूज थ्री पॉइंट अगर मल्टीपल ऑफ टेन होगा ना तो इज़ी कैलकुलेशन के लिए आप थ्री पॉइंट कर सकते हो बट फिर भी आपको आंसर्स चेक करना पड़ेगा ओके इज दिस क्लियर एवरी वनियर प्रीवियस नो नीड टू राइट स्टूडेंट ऑल दिस इज गिवेन इन द टेक्स बुक ओके Yes, sir. तो ये आपको लिखने okay. की जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि हम यूज करेंगे तो वील रेफर इट ओके okay? पैरलोग्राम क्या होता है oh, sir,

तो आपको क्या करना है लेंथ इनटू ब्रेथ बेस बेस इनटू हाइट हाइट ओके सो हाइट इज व्हाट फ्रॉम एनी वर्टेक्स यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओके सो दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर बेस ओके ओकेज दिस क्लियर नेक्स्ट वन इज वर्पेजियम ट्रपेजियम में क्या होता है वन पेयर ऑफ साइड इज साइड हाँ करेक्ट सो लेट से दिस इज द ट्रपेजियम सो दीज टू साइड्स आर पैरल इसका क्या होता है सम ऑफ द पैरल साइड्स ओके सो लेट्स दिस इज ए और बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट तो इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो हाइट मिलेगा तो आपका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट ये सारे चीजें टेक्स्ट बुक में दिए हुए है यू जस्ट पे अटेंशन वॉट यू आर डूइंग ओके लिखने की आपको जरूरत नहीं है एंड द लास्ट वन इज रॉम्बस अभी रोमबस में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है ओके एरिया होता है डायगनल डी वन एंड डी टू आर द डाय नाउ दिस प्रोपर्टी यू नीट टू रिमेम्बर बिकॉज क्वेश्चन ऑन दिस आर आस्ट ओकेज्वाइनिंग ओवर यूर ओके वेन द डायनल मीट दे डिवाइड ईच अदर इंटू इक्वल हाफ ये एक प्रॉपर्टी है एंड द अदर प्रॉपर्टीज दे मीट एट नाइंटी डिग्रीज सो नाउ वेन दिस विल बी यूजफुल ओके तो ये हमें फाइंड आउट करना है सो लेट्स डायगनल वन इज इक्वल टू एटीन और नहीं डायगनल वन इज ट्वेल्व लेट से डायग्नल वन इज इक्वल टू ट्वेल्व डायगनल टू इज इक्वल टू सिक्सटीन वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस

so side is equal to 10 now when you 10. get this side you can find out the perimeter if one side is 10 what will be the perimeter 4 into side which is 40 samajh mein aaya yes sir yes sir तो so, ये आपको रोमबस में ऐसे टाइप के सम्स पूछे जाएंगे okay? चलो तो अभी हम कुछ सोल्ड एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक सम्स करेंगे तो आपको आइडिया आएगा अभी एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपने ये सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं सीखा है तो प्लीज पे अटेंशन सो सर्कल में एक सेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ओके दिस लाइट से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सो जीरो ओके दिस इज द ओ ए बी ये आपका एक सेक्टर हो गया है मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल ओके नाउ लेट्स कंसिडर द रेडियस ऑफ दिस इज सेवन सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज एंगल लेट्स कंसिडर इट इज नाइन्टी डिग्रीज एंड रेडियस को आप फोर्टीन सेंटीमीटर कंसिडर करो ठीक है अभी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाइड क्या है सर्कल है तो कितना पार्ट है Total 360 होता है हमारा करेक्ट उसमें से नाइंटी डिग्री का ही एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसीलिए थीटा अपॉन ऑन थ्री सिक्सटी वॉट इज दिस थीटा दिस एंगल ओवर यज दिस क्लियर इज दिस क्लियर everyone So your theta is 90. So we'll find out the area of sector 90 upon 360 into 22 by 7 into 14 into 14. So 90 into 1, 90 into 4, 7 into 1, 7 into 2, 2 into 2, 2 into 1, 2 into 1, 2 into, 1, 2 into 7. So you're left with 22 into 7, which is 154 and whatever the units is. समझ में आया एरिया ऑफ सेक्टर यस सर डन स्टूडेंट्स ओके अब स्क्वायर स्क्वेयर में आपको याद रखना है ओके जस्ट वेट ओके

अगर एग्जाम में यूज करना होगा तो वो रूट टू का वैल्यू आपको बोलेंगे ठीक है एग्जाम में दिया होगा जो भी चीज अगर रूट है कोई क्लियर okay, चलो एक्सरसाइज थ्री है मतलब ये ये चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सी ओके ए बी इज इक्वल टू सिक्स ए सी इज इक्वल टू टेन एंड एंगल बी इज नाइन्टी डिग्रीज

अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट सो विच इज द हाइट ए टू बी इज द हाइट बी टू सी इज द बेस इंटू हाफ ओके सो विल बी द दिक्स इंटू एट इंटू हाफ कितना होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेयर क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दिया है अभी यहां पर आपको ये तो राइट एंगल ट्राएंगल है इसलिए इजी हो गया फाइंड आउट करना ओके okay? और जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं ओके सिक्स एट टेन अभी सिक्स एट और टेन के जो भी मल्टीपल्स हो गए वो सारे पाए थे मतलब अगर आप चेक करोगे ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ओके एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी ये सब मैच करेगा कि की स्क्वायर प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये आपको याद रखना है ठीक है ठीक है तो ये वाला एक है अगर आपको ये नहीं याद रहेगा अभी लेट से कुछ तीन डिफरेंट साइड्स दिए होते सिक्स एट और टेन दिया और अगर नहीं पता है कि ये फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है या ये वाला फार्मूला तो आप दूसरा फॉर्मूला जो है एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कर सकते हो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू नो नीड टू यूज ओवर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द अजॉइनिंग फिगर ओके सो वी हैव अ रेक्टेंगल एंड टू इट अ ट्राइंगल इज अटैच्ड। ओके विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है आपका टेन ये है फोर्टीन ये है सिक्स और शेडेड पार्ट क्या है दिस इज द ट्राएंगल ओके विच इज शेडेड और ये वाला ट्राइंगल भी शेडेड है ठीक है ना अभी ये जो ट्राइंगल है इसका हाइट जो है वो ये सेम रेक्टेंगल का ब्रेथ है तो फॉर दिस ट्राइंगल वॉट इज द बेस बेस इज इक्वल टू टेन हाइट इज इक्वल टू सिक्स सिक्स ना फॉर दिस ट्राएंगल ओके विच इज इन्वर्टेड वन दिस ट्राइंगल बेस इज इक्वल टू फोर्टीन दिस वन हाइट क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बिकॉज अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेम हो जाएगा इसके जितना तो इसका हाइट हो गया आपका सिक्स तो आपका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू सिक्स इंटू फोरटीन प्लस हाफ इंटू सिक्स इंटू टेन तो आप क्या कर सकते हो थ्री इंटू फोर्टीन प्लस थ्री इंटू टेन विच इज थ्री इंटू ट्वेंटी फोर विच कम्स टू बी सेवेंटी टू अभी यूनिट क्या है

Sir, can you show the first among two? Okay. Thank you so much, sir. Question number three. Uh, please do it as homework. Okay. It is based on triangle. Question number four. There is a square they have given us. Okay, with side as ten centimeters. ंगल okay? तो देख सकते हो नहीं रेक्टेंगल नहीं है एक्चुअली एक ऐसा फिगर बन रहा है ठीक है रेक्टेंगल तो दिस इज फोर दिस इज फाइव दिस इज टेन अभी ये जो फिगर है ये क्या टाइप ऑफ फिगर है Sir, trapezoid. राइट कैसा इफ दिस इज फाइव वॉट इज दिस बिकॉज द होल साइड ऑफ द स्क्र इज टेन स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन ये टेन है ये एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके दोनों साइड टेन टेन है ये जो ट्रेपेजियम है इसका बेस टेन है हाइट कितना है फाइव है क्योंकि अगर ये फाइव सेंटीमीटर है तो ये रिमेनिंग फाइव हो जाएगा दस में से माइनस किया तो अभी ये एक रेक्टेंगल है आपका ये ऊपर जो बॉक्स है ओके तो इसका एरिया कितना होगा ये भी शेडेड है आपका एरिया तो एरिया कितना हो जाएगा फोर इंटू फाइव ये सौ नो yes, अभी ये जो ट्रपेजियम है इसका ये जो पैरेलल साइड है ये टेन है तो ये वाला कितना है इट इज ऑफ दिस रेक्टेंगल ओनली सो ए प्लस बी इंटू हाफ जो होगा आपका मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है फॉर्मूला करेक्ट एरिया ऑफ ट्रपेज ए कितना है आपका ए इज इक्वल टू फोर इक्वल टू टेन हाइट इज इक्वल टू फाइव तो क्या हो जाएगा फोर्टीन इंटू हाफ मल्टीप्लाइड बाय फाइव तो कितना हो जाएगा थर्टी फाइव समझ में आया ये थर्टी फाइव है ट्रपेजियम का एरिया ओके एंड रेक्टेंगल का एरिया है ट्वेंटी सो टोटल एरिया कितना हो गया फिफ्टी फाइव करेक्ट सर Previously solved these sums, so do I need to solve them again? I have not asked students to solve these sums. I am solving it on the board. Those who want to take a screenshot, they can take it. If you have already done, just you check your method and the answers. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर फाइव अभी आपको क्या है फाइंड एरिया ऑफ द होल फिगर तो दो ट्राइंगल्स दिए दोनों का आपको फॉर्मूला यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड सॉल्व करना है वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप होमवर्क कर सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू वन नाइंटी सिक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स द ब्रेथ सो वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सो एल इंटू बी इज इक्वल टू वन नाइंटी सिक्स विच इज इक्वल टू फोर बी इंटू बी करेक्ट

विच इज इक्वल टू फिफ्टी सेवेंटीमीटर्स समझ में आया सबको डेढ़ सौ

टू इंटू वन टू इंटू फोर फोर इंटू वन फोर इंटू ट्वेंटी वन सो सम्वेंटी वन समझ में आया yes, क्वेश्चन नंबर एट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल उन्होंने पूछा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है साइड सो फोर टू इंटू फोर टू इज फोर टू इंटू नाइन टू इंटू वन टू इंटू नाइन सो आंसर कम्स टू बी एटी वन रूट थ्री समझ में आया

okay students yes sir question number 9 we need to find area of this shaded part okay now what they have given side of the square is 8 शेडेड रीजन so okay? तो अभी हम क्या करेंगे यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ए और बी को ज्वाइन कर देगे दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास Okay, wait, then but height of the other triangle. Yes, Sheetal, you want to say something or you have a doubt? Sir, the height will be four because it's saying that A and B are the midpoints. A and B are the midpoints, so this and it's square of eight centimeter. No, this will be four. I am talking about this side or this triangle. We are we will assume it as two, but we are not sure about it, right? Yes or no, students?

we'll consider base is equal to 8 and height is equal to 4 so we have half into 2 into 8 plus half into 4 into 8 yes priya bolo kya doubt hai sir actually i had solved this some few days ago and i got 24 as the correct answer yeah 24 even is... i checked the so see this height is 2 we'll consider this is 4

आई कैन राइट एंड आई टूक पी ए क्यू एजल एस आर एंड आई कैल्कुलेटेड एरिया फ्रॉम द टोटल एरिया आई डेंट लाइक दट फिर ट्राइंगल है उसके लिए हाइट कितना कंसिडर किया

क्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके वन मीटर स्क्वेयर मतलब इंटू वन मीटर दिस इज इन करेक्ट ओके विच इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर करेक्ट सो वन मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वेयर ये आपको याद रखना है और वॉट यू कैन डू इज

ये yes, स्क्वायर ही है ठीक है रेक्टेंगल नहीं है ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी मीटर ब्रॉड तो दोनों ट्वेंटी मीटर ही है तो अभी आप क्या करोगे इन दोनों को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा टू थाउजेंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिस इज योर एरिया यस और नो अभी एक टाइल का एरिया क्या है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स इंटू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द होल फ्लोर यस और नो

ल डू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन नाउ डिरेक्टली बिकॉज वी हैव लेस्ट टाइम लेफ्ट ओके क्वेश्चन सेवनटीन ये भी डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ थोड़ा ज्यादा वर्किंग है इसमें ओके सो दिस इज फाइव दिस इज सेवन दिस इज सेवन दिस इज ट्वेल्व ओके आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या है बताओ मुझे ये yes, रेक्टेंगल है स्क्वायर है क्या है ये स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज अगर यहां से यहाँ सेवन है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट भी सेवन हो जाएगा और ये ट्वेल्व है तो यहां पर भी ट्वेल्व आना चाहिए ये सर नो यस ठीक है तो ये स्क्वायर का एरिया क्या हो गया वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके एरिया ऑफ दिस ट्राएंगल इज़ आउ मच हाफ इंटू ट्वेल्व इंटू सेवन एरिया ऑफ दिस ट्राएंगल इज हाफ इंटू सेवन इंटू फाइव एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू फाइव इंटू फाइव करेक्ट ये तीनों एरिया एड करके टोटल एरिया से सब ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा हमें ओके yes. सो okay. so, कितना है ये वैल्यू आपका हो जाएगा फोर्टी टू ये हो जाएगा

something like this. If you join these two, like this part comes over here, won't it be a circle? Yes, circle. This is kind of like yin and yang or something. Like the same way they have a wave Correct. in the middle, so it looks yeah. somewhat like that. हाँ, तो ये दोनों आपका मिला के एक सर्कल बनेगा, ओके? अभी स्क्वायर ऑफ़ साइड इस गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर्स, and इनका जो रेडियस यहाँ से जो हाफ पार्ट है दिस पार्ट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर तो ये दोनों अगर हम सर्कल्स जॉइन कर दे तो इसका रेडियस कितना बनेगा हाफ ऑफ द साइड बिकॉज़ पी एंड क्यू जो है वो मिड पॉइंट से जहां पर उनका ये जो कर्व पार्ट है टच हो रहा है अगर आप डायग्राम देखोगे तो तो इन दोनों का जो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 7 करेक्ट